आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है आप सबको, इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसाल हो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्य की मैं डिबेट। हम ऐसे, ये बात तो उसने पट्टी साहब ने ठीक की है, 370 हटाया इसी वजह से हटाया था कि सब आके दोबारा बस। हमने आज वीडियो ईगल पे देखा ना, कौन बसा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशल वेलकम टू ट्रूरियक्स। आज हम लोग आपके साथ इंडिया से हैं मेजर गौरव आर्य पट्टी, तो देखेंगे आपके साथ मिलके इनकी आपस में जो है वो बहस और तकरार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। बकार बट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है बकार बट्टी, वक्त कम है, ठोको। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आप आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पर लव जहाद के नाम पर जो गाय के नाम पर बगवादारी है उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए देखिए देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है आप सबको, इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसाल हो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आ रहा कि मैं डिबेट करूं। हाँ, सवाल पूछ। ये बात तो उसने पट्टी साहब ने ठीक की है कि भाई ये जब से 370 हटा है तो इसी वजह से हटाया था कि सब आके दोबारा बसे। तो हमने आज वीडियो ईगल पे देखा ना, कौन बसा है? वो कह रहे हैं कोई नहीं, जितने सोचा था उतने आई नहीं। मतलब कि जो जिसके लिए किया था कि आए शांति बढ़े और वो दोबारा पंडितों को वो जगह दी जाए, सवाल पूछूं। लेकिन बकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहाँ बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं देखिए, मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कोई कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग, उनके साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए, जो एग्रीमेंट हमसे किया है उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा। नहीं नहीं, ठीक है गौरव आर्य, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब ये है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में उन्नीस आर आर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को, बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे कर रहे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं, जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी, ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है, सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया, ये मेरी गलती है, मैंने कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को।
पहले साल जब वो मरा था 2017 में उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूँ, बिल्कुल जो वादे कर रहे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूँ, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूँ, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूँ। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी, ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है, सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया, ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा, बुजदल एक डरपोकल फौजी है, एक वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनो, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी, वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना, मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, सुनो तुम क्यों, तुम्हें मौत आ गई क्यों, बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, 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 ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों के, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे, कहां से पैसे कमाते हो राजनीतिक दलाली करके। जब ये प्रोग्राम बंद होता है ना, ये खत्म हो जाता है, अच्छा ठीक है, क्या टीयर पिंग वाह मजेदार, फिर अगले अगली यार वो आ जाता है, जिसने लड़ा इतना गुस्सा हो तो वो आए क्यों, वो आए क्यों, ये सारा सिस्टम है। पर की मौत मरा था, सुअर की मौत मरा था, और हिजबुल मुजाहिदीन ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे, ये कहां से पैसे कमाते हो राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था, सुअर की मौत मरा था, और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है। और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के, 19 RR का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। मेजर ने भी जो बात बोली है, कश्मीर में राय रख के भी बंदे को उठा के नहीं ले जाते, वो खुद बता रहे हैं वहाँ पे कश्मीरी लोग जो, तो डेमोक्रेसी किधर आ गई फिर जम्मू कश्मीर में। भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी को कभी गलत। आप देखिए ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कहिए, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते हैं वकार भट्टी, लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई बुरहान वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भट्टी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा में रहते, ये क्या बात करेंगे, ये तो लोकतंत्र है जहां पे जाके ऐसे। मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूँ, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है, उसको दोबारा निकालो कबर से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कवर में डालो और फिर निकालो और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आप आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए, और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आ रहे होंगे स्टूडियो में, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा का भाई सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा जो इस देश में हमला करेगा,
समाज सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए वक्त इतना ही है, चलिए वक्त इतना ही है, जूती आ गई है, टीआरपी भी आ गई है। ये चैनलों का बड़ा हैवी सीन है, ठीक है, बात सच्ची झूठी होती रहती है, लेकिन ये फिर से सच्ची झूठी क्या है। अभी मेजर साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज की है, कोई भी बंदा नॉर्मल इंसान ने भी की है, पट्टी साहब ने भी, उसने भी की है, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत जिसने की है वो देखना ना कि शुरुआत जिस तरह उन्होंने बात की है, जो भी मामला था, जिस तरह का मामला था, ठीक है, हो गया, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना लाजमी था। पहले उन्होंने ये बात बोली कि कुत्ते की मौत मारा, बाद में सॉरी सॉरी वो ये जो की मौत मारा। ये जो न्यूज चैनल है ना, ये इस तरह के सारे, ये इसी तरह का इनका जो ना सारा डिबेट होती है, ये कौन सी डिबेट है, इसको डिबेट कहते हैं, इसको तो कहते हैं कि कोई मच्छी मंडी क्या। हाँ, इधर पे रूडी से भी ज्यादा गंदी, इस पे ना समझ लोगों को नहीं आती, इस पे समझ सिर्फ इतनी आती है कि मेजर ने कितनी गाली दी और पट्टी ने कितनी गाली दी, सिर्फ मजा मजा लेने के लिए ये डिबेट सुनते हैं, इससे समझ तो कोई नहीं आती, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे समझ आए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये कि कुत्ते की मौत तो सूअर की मौत तो जूती उतार ली तो वो मेजर साहब का टाइटल है कि भाई मेजर साहब को डिबेट में इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस लैंग्वेज के जवाब मेजर साहब ही दे सकते हैं, मेजर साहब ही दे सकते हैं अच्छी लैंग्वेज के साथ। तो बाकी भी इधर से भी है, ये नहीं कि इधर के लोग भी, तो यही लोग फिर दोबारा एंड कर नहीं है, ये भी उसी कश्मीर वाले कश्मीर का, उसी कश्मीर का, उधर ही ये मामला हुआ है, ये पाकिस्तान नहीं, का नहीं है, ये पाकिस्तानी कश्मीर नहीं, है? नहीं, अच्छा, मैं समझ रहा था, अच्छा ये उधर के ही है, ये उधर का ही है, और अच्छा, उधर के लोगों के साथ इस तरह का रवैया, ये यहाँ पे ये बात करते हैं कि वहां पे इस तरह का मामला है, इस तरह का है, ये है वो है, तो आज इसका सबूत देख नहीं लिया, क्या सबूत है ये, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है, पाकिस्तान के अंदर उस तरह होता है, मान लेते हैं होता है, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है ये क्या, यहाँ पे हो रहा है वो बात भी चली ठीक है, लेकिन ऐसी बात हो ना बीच में रोक के मैंने भी बात बोली है, मेजर गौरव ने कहा कि ये तो पाकिस्तान में होते थे तो मैं उठा के ले जाते, तो कश्मीर कौन सा काम है, जो ईगल पे हमने वीडियो देखा उसमें कश्मीर में भी तो लोगों ने ये बात बोली है कि अगर हमने मीडिया पे आके बात भी की, अपनी राय ओपनली रखी, जो हमारी एक्चुअल में राय है, तो उठा के ले रियल कैमरा, वो क्या है वो देखना, वो एक बंदा भाग के आया था, वो कह रहा था कि भाई कट कर दे ये चीज कट कर दे, कुछ तो ऐसे बात ही नहीं, बात करेंगे तो हमें उठा लिया जाए, तो या तो ये बोलो, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है और भारत में डेमोक्रेसी समझ आता है, या तो ये बोलो कि पूरे मतलब ये बोलो कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि कश्मीर में, कश्मीर भारत का पार्ट है और वहां पे जो है लोगों को आजादी से अपनी राय भी सामने नहीं रखने नहीं करने देते यार, हमारे यहाँ ज्यादा होगा उनके यहाँ थोड़ा, ये समझ लो यार, बस वो ढंडोरा पीटना उसका गलत है ना, या थोड़ा ज्यादा क्लेमेंट को तब होना जब वाकई में वो काम होता हो, कश्मीर या तो बोले भारत का पार्ट नहीं है या पार्ट है तो फिर बोले कि भाई बाकी लोकतंत्र नहीं है, या तो ये बोले कि किसी किसी जगह है, किसी किसी जगह नहीं, मुंबई दिल्ली वगैरह में है, हैदराबाद बेंगलोर वगैरह, लेकिन हाँ कश्मीर में नहीं है, बस मेरे गुस्सा नहीं, तो ऐसा लोकतंत्र का क्या, वो फिर लोकतंत्र तो नहीं है ना, वही ना जिस तरह ये भट्टी साहब ने कहा उधर भी भट्टी है कश्मीर में, भट्टी साहब ने कहा कि भाई आप 10-20 साल से डिबेट ही कर रहे हो, जो वादे किए थे या कश्मीर में जो करना था या पंडितों को बुलाना था वो आए नहीं है, जो आपने 370 हटाया था उनको भी बुलाओ ना, इसलिए तो 370 अभी वैसे हालात उस तरह है नहीं, क्योंकि अगर इतने कंफर्टेबल हालात होते जो वहाँ के लोग पहले रह रहे वही कंफर्टेबल होते, वो भी कंफर्टेबल है, जो गए हैं वो वापस कैसे, वो पंडित इसीलिए इन्होंने आ रहे कि हालात ही नहीं, वो क्यों आएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि हालात बिल्कुल बेहतर हो गए हैं, 0% हो गए हैं, ये चीज बिल्कुल रुक गई है, दहशतगर्दी बिल्कुल रुक गई है, वो ऐसा सीन हो गया, तो फिर क्यों नहीं वो लोग जो गए थे क्यों उनको अपनी जमीन प्यारी नहीं है, आखिर उनको डर है ना कि ये चीज अभी भी है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे, शायद ये सीन हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पर ये कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, मच्छी मंडी है और ये टीआरपी के लिए सिर्फ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, विकास की जो बात थी विकास ने कहा कि भाई ये लोग पीछे वैसे ही होते हैं, और ये बार बार आने का मकसद क्या, उनको पता होता है हमारी मट्टी पलीत होनी है, हमने आगे मट्टी पलीत करनी है, अगर उनको इतना मसला ऐसी से तो वो क्यों आए, कोई भी सोबर बंदा होगा वो इस तरह की डिबेट से अगर किसी को तकलीफ होगी तकलीफ होगी तो वो क्यों आएगा, ये जब डिबेट क्या जरूरत है दोबारा के लिए आते हैं बैठते हैं तो इनको यही बोला जाता है चैनल की तरफ से, जो भी हो जाए आपने डिबेट से निकलना नहीं, एंड पे फिर वही, क्योंकि ये अवाम को दिखाने के लिए चूरन देने के लिए ये सारी चीज की जाती है, वो तो बात है, मजहब डिबेट, ये चैनल जो ये सारे चैनल हैं, कभी मजहबी मजहब पे डिबेट ले आते हैं, कभी किसी चीज पे डिबेट लेते हैं, कभी किसी चीज पे, जो सही मुद्दा है जो किसी बात का मुद्दा है उस पे नहीं, आराम से बात करें, आराम से करें, हर बंदे का समझ के अंदर आने का कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई उसका रोल होता है, अगर समझा जाए, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो किसी बंदे को पसंद आ जाती है या जिंदगी गुजारने का कोई तरीका बता देता है, तो ये कौन सा तरीका ऐसा कि इस तरह की डिबेट की जाए और जो बंदे इनको देखते हैं
उनकी भी जिंदगी खराब की जाए। खराब से मुराद ये कोई भी नेगेटिव बात, आज ये यहाँ पे कर रहे हैं, कल को जो बंदा इनको देख रहा है वो आपस में करेगा, कोई भी इस तरह की बात करता है, तो मेरे ख्याल से जो इंसान का इंसानियत के नाते जो फर्ज है वो तो वहीं पे दब गया ना, वो तो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि इस तरह की डिबेट उसने ले आई अपनी लाइफ के अंदर, और जो दूसरों को भी यही सबक दिया गया, हाँ इस तरह की बातें करनी है, इधर ने उधर वाले भी कीचड़ उछालना है, गलत सारे ही है, सही कौन है, इंसान है ना तो कोई फरिश्ते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इस तरह की गलतियां कि जिसका बंदे को पता हो, नॉलेज हो कि यार ये नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल भी खराब होता है, इर्द गिर्द की जो आबादी है बांग्लादेश की हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो, मतलब जिसकी मर्जी हो, लेकिन माहौल पे जो फ़र्क है वो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमें अपनी लाइफ के अंदर दुनिया के अंदर आने का कोई ना कोई रोल देना चाहिए। जी 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 हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों का ये ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लास्ट में बताना है, अपनी बात आप खुले में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।